जब से BTC का प्राइस $68,000 से ऊपर गया तो जितने भी मीम कॉइन्स हैं तो इनमें भी एक बहुत बड़ा पंप दिख रहा है। एक तो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ अगर हम टारगेट्स को देखें तो टारगेट्स मीट हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इसमें बन सकता है। तो सबसे ज्यादा अभी हाई बन रही है शिबा इनू की, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपके साथ टोटल जो कॉइन्स शेयर करने वाला हूँ वो 3 कॉइन्स का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। तीनों के तीनों मीम कॉइन्स हैं और बहुत ही ज्यादा हाई पे है, बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है, तो पूरा डिटेल में जाएंगे। तो इस रैली को किसी भी हाल में मिस मत करना, क्योंकि BTC बार बार इतना ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट $70,000 के आसपास आ चुके हैं। इसी के साथ साथ अभी ऑल्टकॉइंस जो हैं वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन ऑल्टकॉइंस जैसे यहाँ पे रैली लेंगे तो ऑल्टकॉइंस में यहाँ पे मैं मीम कॉइंस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो रैली जैसे पकड़ेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो मेक श्योर कि आज मैं आपको जो कॉइंस बताने वाला हूँ वो आपके पास होने चाहिए। तो जो आज हम बात करने वाले, आप देख सकते हो टॉप कॉइंस मैंने मीम की कैटेगरी में देखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीरो को छोड़कर बाकी सारे ऑलरेडी प्लस में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो अच्छे और बड़े मीम कॉइंस है सिर्फ वही दिख रहे होंगे, जिसमें डॉज, शिप, ब्रेड, टॉप कैट, फ्लॉकी, बॉन्क है, इसी के साथ WFIF है, पेपे है, तो सारे के सारे कॉइंस जो एक्चुअल में फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है वही यहाँ पे प्रॉफिट दे रहे हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्ट ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट्स सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो ओवरऑल मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि मीम कॉइन्स में अगर हम टॉप के कॉइन्स ही ले लेते हैं, जिसमें डॉज कॉइन है या फिर सुई बेस्ड कॉइन है या फिर सोलाना बेस्ड कॉइन है, तो ये कॉइन्स एक दूसरे के साथ बहुत बड़े लेवल पे कम्पीट करने वाले हैं, जिससे क्या कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉइन डेफिनेटली शिबा इनू ही है, क्योंकि शिबा इनू का आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि शिबा इनू ने $10 बिलियन का जो मार्केट कैप है उसको क्रॉस कर लिया है। इनफैक्ट अभी ये $11 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर चुके हैं, और इसके 24 आवर के वॉल्यूम में भी बहुत बड़ा इंक्रीज है, जो कि 40% प्लस जा चुका है। $500 मिलियन से भी ऊपर इसका जो वॉल्यूम है 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है। तो 15 घंटे पहले $10 बिलियन से ऊपर मार्केट कैप गया था, लेकिन देखते देखते ये $11 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। तो बहुत ही बड़ा मीम कॉइन इस वक्त बन चुका है। इसकी जो पोजीशन चल रही है ये भी ऑलरेडी 13 के आसपास ही चल रही है, जो कि पहले भी इतनी थी। लेकिन आपने यहाँ पे चीज़ देखी होगी, ये 13 के पास क्यों है, क्योंकि BTC के प्राइस बढ़ने के साथ साथ सारे ऑल्टकॉइंस का जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ा है। आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे, चाहे बाकी ऑल्टकॉइंस का मार्केट कैप बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ अगर हम शिबा की बात करें तो शिबा ऐसा नहीं है कि पिछड़ गया, बल्कि शिबा भी साथ साथ ही चल रहा है। तो शिबा इनू के एक बुल ने बहुत बड़ी बाइंग करी है, जो कि ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन शिबा इनूज की करी है, जिसकी वैल्यू बनती है $53 मिलियन, और ये पूरी की पूरी एक दिन में ही करी है, जिस कारण शिबा इनू पूरा के पूरा ग्रीन हो चुका है इस अक्टूबर मंथ के लिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा लगेगा कि इतना बड़ा अमाउंट अगर बाय किया गया तो इसको सेल भी कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा बाइंग आई है इसको सेल करने के लिए नहीं आई है, बल्कि इन्वेस्टर्स इन कॉइन्स को ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे ला रहे हैं, ना कि सेल करने के लिए। क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि अगर जो डिमांड है, डिमांड 81.41 बिलियन शिबास की अभी चल रही है, जो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, और ये एक्सेस डिमांड 201 बिलियन टोकन तक भी पहुंची है। तो शिप को यहाँ पे 2-3 रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, जो कि 0.4024 और उसके बाद 30 के आसपास। यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स हम देख पा रहे हैं, 50, 100 और 200 EMA, और ये अगर क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली एक गोल्डन क्रॉस होगा, जिससे क्या कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश हम रहने वाले हैं और हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली मिलेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी हमें ये मिल सकता है। तो गोल्डन क्रॉस अगर मैं बताऊँ तो इससे पहले किसका हुआ है, BTC का भी हुआ है। तो BTC का अपडेट मैंने आपको पिछली बार भी दी थी, जब BTC का गोल्डन क्रॉस हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक रैली आने वाली है, जो कि हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। और इसी के साथ जो लूसी है शिबा इनू की, तो उन्होंने भी एक ट्वीट डाला है कि अगर आप फट में फंस जाते तो फट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ऑल टाइम हाई अभी मीट होने वाला है और ऑल टाइम हाई के बाद हमें बड़े प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। और ये उनका बोलना ये है कि फट सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जिन्होंने शिबा इकोसिस्टम में कभी इन्वेस्ट भी नहीं किया है। और इनका कहना यह कि अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर रिलाई होते हो, शिबा की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो डेफिनेटली आप सिर्फ ब्लॉकचेन को देखते हुए भी एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लॉकचेन ही नहीं है, शिबा का दाओ भी है, जो कि आने वाले समय में जो रियल शिबा के होल्डर्स हैं उनके हाथ में गवर्नेंस देने वाला है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट आई है शिबा के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। अब हम दूसरे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमें मिस नहीं करना चाहिए इस वक्त, ये है डॉज कॉइन, जिसने एक दिन के अंदर 10% से भी ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है। तो इसकी वैल्यू $0.135 के आसपास चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 14 सेंट के आसपास चल रही है।
तो इसके भी वॉल्यूम में एक बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, जिसका 24 आवर का वॉल्यूम है 40-50% से भी बढ़ा है और मार्केट कैप भी लगभग 11-12% से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका जो मार्केट कैप है अभी चल रहा है लगभग 19-20 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी कि ऐसा मान लो कि 2 गुना चल रहा है शिबा इनू से, और यही कारण है कि अभी ये 8th रैंक के ऊपर चल रहा है। और इस पॉइंट पे डॉज कॉइन एक बढ़िया मोमेंटम भी गेन कर रहा है, जिससे क्या है कि ये 0.20 का मार्क बहुत ही जल्दी हिट करेगा और उससे क्या है कि डॉज कॉइन में हमें एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सारे के सारे मीम कॉइन्स एक बड़ी रैली ले रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन डॉज कॉइन की बात करें तो यहाँ भी डॉज कॉइन भी सिर्फ इसलिए पंप हो रहे हैं क्योंकि जो मीम कॉइन्स हैं इनकी डिस्कशंस बढ़ती जा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मीम कॉइन की हर जगह पे बात हो रही है। इसका रीज़न अगेन वही है कि बिटकॉइन जब बढ़ता है तो इसी के साथ साथ मीम कॉइन्स एक बड़ा प्रॉफिट देते ही देते हैं, और मेन रीज़न जो है वो ये है कि जब ऐसी मार्केट होती है तो लेयर वन प्रोजेक्ट्स, लेयर टू प्रोजेक्ट्स से जो एक्चुअल फोकस है इन्वेस्टर्स का वो हट जाता है और उनका फोकस रहता है कुछ ऐसे कॉइन्स के ऊपर जो थोड़े समय में एक बड़ा प्रॉफिट दे पाए, यानी कि यहाँ पे ग्रीड बढ़ना शुरू हो जाता है। और वैसे अगर हम ग्रीड देखें तो एक्चुअल में ग्रीड तो सिर्फ 58 के आसपास चल रहा है, जो कि न्यूट्रल है लेकिन बहुत क्लोज टू ग्रीड के आसपास चल रहा है, क्योंकि 60 से ऊपर जाएगा तो इसको हम ग्रीड का नाम भी दे सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट प्राइस है डॉज कॉइन में वो $0.17 है और $0.19, यानी कि 20 सेंट के आसपास हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। लेकिन डॉज कॉइन के $1 की जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे थे आज से 4 साल पहले भी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। डॉज कॉइन का जो एक्चुअल में हाई प्राइस गया था, इसका ऑल टाइम हाई $0.73 के आसपास ही गया, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि शायद 70-80 सेंट के आसपास पहुंचा हुआ है। लेकिन पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक मैसिव रन हमें देखने को मिल सकता है, एक बुल रन देखने को मिल सकता है, जो कि डॉज कॉइन में हमें देखने को मिलेगा, और इसकी वैल्यू $1 से लेकर $10 तक बहुत ही आसानी से जा सकती है। एज कम्पेयर टू अदर मीम कॉइन्स, सिर्फ डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो कि $1 को ईजिली क्रॉस कर सकता है। अब हम आते हैं सोलाना बेस्ड मीम कॉइन के ऊपर, जो है पॉप कैट, और इसने अभी अपना एक ऑल टाइम हाई के आसपास दोबारा फिर से हिट किया है, $1.33 के आसपास आ चुका है, लेकिन ऑल टाइम हाई है $1.5 के आसपास, और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि अपना ऑल टाइम हाई $1.5 को क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और एक बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यहां से टोटल 100% भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर अच्छे कॉइन्स जिनकी वैल्यू $1 से ऊपर चल रही है, $2, $2.50, $5 तक भी चल रही है, तो वो सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स ही हैं, तो उनमें से एक पॉप कैट है, ये हमारा 3rd मीम कॉइन है। इवन अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप भी ये 57th पोजीशन के आसपास है, इसका जो मार्केट कैप है $1.3 बिलियन के आसपास अभी चल रहा है। तो पॉपकैट में अभी बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे बाइंग कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा आ रही है, सोलाना बेस्ड मीम कॉइन होने की वजह से ये हमेशा हाइप में ही रहा है। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है $1.27 के आसपास है और जो ऑल टाइम हाई है $1.55 के आसपास है, और अगर ये ब्रेक होता है मार्क तो हमें यहाँ से $2 से लेकर $3 के आसपास एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यही थे हमारे 3 मीम कॉइन्स जो हैं शिबा इनू, डॉज कॉइन और पॉपकैट। इनके अलावा किसी और मीम कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एनालिसिस लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए वॉरफिट को, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।